मॉर्निंग स्टूडेंट राजी अज आप करांगे की है बच्चे हर बार की जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन गलती करते हैं ऑलमोस्ट देखे आप अजकल हम अपने किन्ने प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन जवाक सिखाते पर जो कुछ स्लो लर्न होंगे वो टेबल ही नहीं जा कर पाते वो इन्ना कन्फ्यूज हो जाते हैं उन्होंने यही पता लगे कि इतने के मल्टीप्लाई करना है किमें कैरी लेना कि अज एक बहुत ही ईजी और सौखा मैथड करा लगी हाँ जिदे च ना कोई अपना टेबल पढ़ना ना कोई आप मल्टीप्लीकेशन करनी है राजे ठीक है की है ये एक मैजिक है स्टिक्स मैजिक ओदे थ्रू आप क्वेश्चन करा की है राजे इतना वे मर्जी वाला सम लै लो थोड़ा बहुत ही सौखे तरीके सम हो जाएगा कोई इस गलती नहीं होंगी तुम्हें ये की है हम मैं कुछ स्टेटमेंट इतने ब्लैक बोर्ड से पाई है पहला है 23 into 31 फिर 32 into 21 फिर 312 मल्टीप्लाई 23 ठीक है तुम्हें ये जिनी मर्जी वीडी रकम बधाई दो पहले आप कुछ तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आप की है अगले स्टॉप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आपको क्वेश्चन की है स्टिक्स होंगे राजे स्टिक्स का मतलब कि एक चीज देखते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन की है क्रॉस ये की अपने स्टिक्स से आप क्रॉस बनाने की बनाने स्टिक्स से क्रॉस बनाने हैं हम आप पहले है कि आप स्टिक्स है जी 23 वाली जी फ्रंट वाले ने इस तरह स्टिक्स लेनी होंगी है जी आप 31 वाली उपर की आपने क्रॉस बनाने होंगे जी हम आप पहले की है 23 आप लिया दो स्टिक्स आ लिया फिर थले आप ले लिया तीन स्टिक्स ले लिया ठीक है जी हम उस बाद की अपने को 31 वाली की पहले आप ले लगे तीन स्टिक्स 1 2 3 ठीक है राजे 31 वाला 1 ये ले लेना राजे जो तो इन सॉल्व करना राजे ध्यान रखना है कि इस की है जेडे आवला ये कलर है इन आप इधर अलग कर देंगे ठीक है ये भी कलर इन इधर अलग कर देंगे हूँ जेडे कि सामो सामने वाले कि दोनों है मैं भी थोड़ा आप बना के कर रही हूँ जस्ट अभी माइंड च भी कर सकते हैं हम उस बार की गिरने कि गिरोंगे अपना जो स्टिक्स ने एक दूजे स्टिक्स में कट्टे किन्ने पॉइंट से कट्टे वो तुम देखना राजे किन्ने पॉइंट से कट्टे अपने को देखो राजे 1 2 3 इतने की आ गया अपने को 3 ठीक है हूँ इस बार आ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किन्ने आ गया 11 आ गया जो 11 आ गया 11 आप कट्ठा का लगा नहीं सकते आप 11 का की लाता 11 का एक लाता जोड़ा वो 11 का एक बचा वह आप लिया इनू देता अगले देता ठीक है ना जी हम उस बाद देखो अगले गिनो 1 2 3 4 5 6 6 तो यही हो गया एक जरा दिता से किन्ने बन गए 7 तो आंसर कि आ गया 713 आंसर आ गया अपने तुम अज भी एडजस्ट करके देखो तुझे देखना कि थोड़ा सवाल सही है कि मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं देखो 1 3 3 1 2 2 3 3 9 3 2 6 जो आप ऐड करा देखो ना देखो आ गया ना 713 कोई आप मल्टीप्लिकेशन नहीं की कोई कोई आप टेबल नहीं पढ़िया ये रिलेटेड ही आप नैक्सट एग्जाम्पल करा देखो ना जी पहले किन्ने स्टिक्स है 3 1 2 3 फिर कि अपने को है फिर आप है 2 ठीक है राजे उस बाद अपने को है राजे हाँ 2 पहले 2 फिर की है 1 चलो राजे हाँ कलर है गया और कलर है गया एक ही होगा अपने को डायगनल वाला कट्ठा लेना ये ध्यान रखना है जिहड़ा डायगनल वाला है उन्होंने की लेना आप कट्ठा लेना है ठीक है राजे हम देखो आंसर की आऊगा अपने को 1 2 इधर की आ गया 2 और दो बार 1 2 3 4 5 6 7 इतने ऑलरेडी 7 ही बने फिर दो बार 1 2 3 4 5 6 ये आ गया अपने 6 7 तो आंसर आ गया काउंट की मतलब जितने दोनों लाइन आपस कट कर दिया वो पॉइंट्स बस गिनना है जी ठीक है ना जी और तुम आगे आगे चेक करके देख लो थोड़ा सा सही है कि नहीं नेक्स्ट देखो राजे 312 × 23 हूँ देखो राजे 312 × 23 करना राजे हूँ आएगा 312 × 23 पहला की है किन्ने स्टिक्स आ गई 3 1 2 3 फिर की आऊगी 1 फिर किन्नी है 2
फिर उस बाद देखो राजे किनिया 23 दिया पहला क्या है 2 स्टिक्स फिर किनिया 3 ठीक है और देखो किमें करेंगे आप पहला देखो आ लग रहेगी आर्क वाला फिर आह वाला ठीक है फिर आह वाला डायगोनल मतलब क्या था ना कट्ठे लाने डायगोनल जैसे ही बंदे के फिर आह किया अलग करेगा चलो फिर जैसे काउंट करो आ किन्ने बंदे 1 2 3 4 5 6 इतने आ गए 6 ठीक है होने ना काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है अगला 7 होने ना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्यारह का किला गया एक किला गया एक ने इन्हें देता इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एक का किला गया 7 आपको फिर आंसर दिया गया 7176 ये मल्टीप्लाई करके चेक कर करके देख लो राजे 312 में तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 का 6 3 9 4 2 6 देखो राजे आ गया ना सेम टू सेम आंसर जिन्नी मर्जी वड्डी जिन्नी मर्जी डिजर्जी होवे तुसी इहनू स्टिक से थ्रू की आपां राजे की है इजी मैथड नाल कर सकदे राजे।